सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्पीड न्यूज़ को, बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, सो कैसे हैं आप लोग। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे चैनल स्पीड न्यूज़ में। मैं सौरभ अहिवा आप सभी के लिए लेकर आता रहता हूं देश दुनिया की सारी बड़ी खबरें और नए नए अपडेट। सो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं देश दुनिया की सारी बड़ी खबरों के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। श्रीलंका में आपातकाल, 290 की मौत, इनमें से 8 भारतीय भी। श्रीलंका में रविवार को बम विस्फोट में मरने वालों की संख्या सोमवार को 290 तक पहुंच गई है, इनमें 8 भारतीय भी हैं। बताया गया है कि राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना सोमवार को आधी रात को श्रीलंका में आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। सोमवार को बम की अफवाह के बाद भगदड़ मच गई। वकीलों के बड़े वर्ग को सीजीआई के विशेष सुनवाई पर आपत्ति, नई दिल्ली। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगने के बाद उनके पक्ष और विरोध में अलग अलग संगठन अपने अपने तर्क के साथ सामने आ रहे हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के ताजे नोटिफिकेशन के मुताबिक 23 अप्रैल से सीजीआई की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ नहीं बैठेगी, हालांकि उनकी अध्यक्षता वाली अन्य पीठ सामान्य मामले की सुनवाई करेगी। पार्टी अध्यक्षों की प्रतिष्ठा का चयन, लोकसभा चुनाव के 2 चरणों में 186 सीटों के लिए मतदान हो चुका है। अब मतदान का मानसून दक्षिण से पश्चिम की तरफ आ रहा है। मंगलवार को तीसरे चरण में 15 राज्यों की 116 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, यानी मंगलवार को 543 सीट में से 302 सीट का भाग्य ईवीएम में बंद होगा। अवमानना मामले में राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट से जताई खेद, प्रचार के जोश में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने भी माना चौकीदार चोर है नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को स्वीकार किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने राफेल मामले की पुनर्विचार याचिका की सुनवाई के दौरान कभी नहीं कहा कि चौकीदार चोर है। राहुल ने अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार अपना जवाब दाखिल किया है। इसमें उन्होंने व्यक्त करते हुए कहा है कि चुनाव प्रचार के दौरान जोश में आकर कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है चौकीदार चोर है। मुस्लिमों से वोट की अपील पड़ी भारी, 72 घंटे का बैन नई दिल्ली। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू पर चुनाव आयोग ने 72 घंटे का बैन लगा दिया है। आयोग ने सिद्धू पर यह बैन उनके द्वारा कटिहार एवं पूर्णिया की रैली में मुस्लिमों से एकजुट होकर वोट करने की अपील के बाद लगाया है। टीवी पर निभाया था किरदार अब सच में यूक्रेन के राष्ट्रपति। यूक्रेन में रविवार को देर रात राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए गए। कॉमेडियन वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने 73% वोट के साथ जीत दर्ज की है। ज़ेलेंस्की इससे पहले किसी भी सरकारी पद पर नहीं रहे हैं। स्थानीय मीडिया ज़ेलेंस्की को यूक्रेन के डोनाल्ड ट्रंप करार देती है। तिवारी के सामने शीला दीक्षित, गंभीर, विजेंद्र भी मैदान में उतरे नई दिल्ली। कांग्रेस ने दिल्ली से सभी प्रत्याशी तय कर दिए हैं। पूर्व सीएम शीला दीक्षित उत्तर पूर्व दिल्ली सीट से भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी के सामने होगी। कांग्रेस ने बॉक्सर विजेंद्र सिंह को दक्षिण दिल्ली सीट से उतारा है। विजेंद्र का मुकाबला भाजपा के रमेश बुंदड़ी से है। वहीं भाजपा ने क्रिकेटर गौतम गंभीर को पूर्व दिल्ली और मौजूदा सांसद मीनाक्षी लेखा को फिर से नई दिल्ली सीट से उतारा है। गौतम गंभीर का मुकाबला कांग्रेस के अरविंद सिंह लवली व आपकी आतिशी मलिन से है। बाबरी मस्जिद को लेकर दिए गए बयान पर प्रज्ञा के खिलाफ एफआईआर, भोपाल। बाबरी मस्जिद तोड़ने और राम मंदिर बनाने के सहयोग को लेकर दिए गए बयान पर भाजपा उम्मीदवार प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ सोमवार को आचार संहिता उल्लंघन की एफआईआर कमलनगर थाने में दर्ज की गई। नोटिस का जवाब संतोषजनक नहीं मिलने के बाद चुनाव आयोग ने यह कदम उठाया। प्रधानमंत्री के निर्णायक नेतृत्व से ही देश आज बना है सक्षम। रेल और कोयला मंत्री पीयूष गोयल का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णायक नेतृत्व से ही देश आज आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम रहा है। पार्टी और किसी मुद्दे पर नहीं बल्कि विकास के मुद्दे पर चुनाव मैदान में है। नीरव चौकसी घोटाले में चांदी के गहनों का निर्यात 75% गिरा। सूरत के विशेष आर्थिक क्षेत्र पर पड़ा प्रभाव सबसे ज्यादा नई दिल्ली। नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के फर्जीवाड़े से जहां देश के सरकारी बैंकों को तगड़ी चपत लगी है, वहीं चांदी के गहनों का कारोबार भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बीते वित्तीय वर्ष में इसके निर्यात में 75% से ज्यादा की गिरावट आई है। जेट एयरवेज से एयर इंडिया के विनिवेशों पर उठे सवाल नई दिल्ली। जेट एयरवेज के संकट से जहां यात्री और कर्मचारी परेशान हैं, वहीं इससे सरकारी एयरलाइन एयर इंडिया के विनिवेशों की योजना पर भी सवाल उठने लगे हैं।
एयर इंडिया की यूनियन ने कहा है कि जेट एयरवेज और किंगफिशर की हालत को देखते हुए यह बात साबित होती है कि देश के सरकारी एयरलाइन के लिए निजीकरण समस्या का हल नहीं है। एयर इंडिया एम्प्लॉय यूनियन के वरिष्ठ अधिकारी ने सरकार को भी सुझाव दिया है कि वह एयर इंडिया निजीकरण की योजना पर दोबारा विचार करे जो अभी फिलहाल में निलंबित है। रहाने पर भारी पंत, दिल्ली 6 विकेट से जीती जयपुर। मैन ऑफ द मैच रहे ऋषभ पंत, नाबाद 78 रन और शिखर धवन 57 रन के अर्धशतक की मदद से दिल्ली कैपिटल ने सोमवार को सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए आईपीएल 12 के मैच में राजस्थान रॉयल्स को 6 विकेट से हराकर तालिका में शीर्ष का स्थान हासिल कर लिया है। धोनी के धुरंधरों को घर में टक्कर देगी सनराइजर्स चेन्नई। आईपीएल की शीर्ष की टीम चेन्नई सुपर किंग अपने आखिरी के दो मुकाबले में उलटफेर का शिकार होने के बाद वापस जीत की पटरी पर लौटने की कोशिश में जुट गई है और मंगलवार को अपने घरेलू मैदान पर सनराइजर्स हैदराबाद से मिली पिछली हार का बदला चुकाने के अलावा प्लेऑफ में जगह पक्की करने के अहम लक्ष्य के साथ उतरेगी। अफगानिस्तान की कमान गुलबदीन के हाथों में काबुल। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सोमवार को इंग्लैंड और वेल्स में 30 मई से शुरू होने वाले आईसीसी विश्व कप के लिए अपनी 15 सदस्यीय राष्ट्रीय टीम घोषित कर दी, जिसकी कप्तानी का जिम्मा गुलबदीन नाइक को सौंप दिया गया है। राहुल का नामांकन में सभी आपत्तियां खारिज, अमेठी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के नामांकन को लेकर की गई सभी आपत्तियां खारिज हो गई हैं, उनका नामांकन वैध पाया गया है। राहुल की अमेठी और वायनाड की उम्मीदवारी पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया था कि उनके पास दो दो पासपोर्ट हैं। शिकायत की गई थी कि हलफनामे में राहुल की गलत जानकारी देकर निर्वाचन अधिकारी को गुमराह किया जा रहा है, उनकी नागरिकता पर भी सवाल उठाए गए थे। सभी धमाके आत्मघाती, विदेश में साजिश, कोलंबो। श्रीलंका के चर्च होटल में हुआ 8 सिलसिलेवार बम धमाके में मरने वालों की संख्या सोमवार तक 290 पहुंच गई है। मरने वालों में 8 भारतीय समेत 35 विदेशी नागरिक हैं, 500 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा, मुद्दों से भाग रहे नरेंद्र मोदी छिंदवाड़ा। पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में रैली करने आए कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी मुद्दे से भाग रहे हैं, अब गंगा की सफाई की बात नहीं हो रही है। राहुल गांधी और अमित शाह आज प्रदेश में करेंगे सभा, जबलपुर छतरपुर। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह मंगलवार को मध्य प्रदेश में चुनावी सभा करेंगे। राहुल जबलपुर के सीहोर में तो शाह खजुराहो के राजनगर में शाम 4 बजे सभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी के साथ मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कमलनाथ भी रहेंगे। हाँ तो दोस्तों, आपका इस न्यूज़ के बारे में क्या सोचना है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल स्पीड न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही बड़े बड़े अपडेट्स लाते रहते हैं।